महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। दरअसल लंबे इंतजार और अटकलों के बाद आखिरकार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन का फॉर्मूला है वो तय हो गया है। तय फॉर्मूले के मुताबिक आपको बता दें कि 144 पर बीजेपी तो वही 126 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ सकती है, जबकि शिवसेना को उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया जाएगा। तो 18 अन्य सीटों पर एनडीए के दूसरे दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और अब केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। तो लंबे समय से रस्साकशी संजम कह सकते हैं कि इसको लेकर चल रही थी, लेकिन अंत में जो फॉर्मूला तय किया गया था उसको अपना लिया गया है। अब क्या इसमें हम कहें कि शिवसेना की सहमति बन गई है, क्योंकि हमेशा से कहा जा रहा था कि शिवसेना कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा सीटें चाहती है, तो ऐसे में सहमति बन गई है क्योंकि औपचारिक ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ। संजय, से हमें जानकारी मिली है, कल भी ये बात देर रात आ गई थी शाम को, कि 100 पूरी जो आंकड़े आपने बताए हैं 144 126 की बातें, तो ये सहमति बन गई है, ये खबर आ रही है। लेकिन देखिए, इस समय ये बात मानना भी, सहमत होना भी शिवसेना के लिए जरूरी है, अदरवाइज वो जानती है कि नुकसान उसको ही है। अकेले लड़ने से हो सकता है कि 63 से घटकर उसकी सीटें 50 तक आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से काम किया है इस समय सरकार ने और लोकप्रियता मोदी जी के प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को लागू करना, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार की लोकप्रियता का बढ़ना, तो ऐसे में जानती है शिवसेना कि अगर अकेले लड़े तो नुकसान उसको ही है और साथ रहने से पावर बना रहेगा। और साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने एक बात साबित कर दिया है बीजेपी ने यहाँ पर, कि अब जो है बड़े भाई की जो कुर्सी है यहाँ पर वो बीजेपी के लिए है, शिवसेना इसमें बिल्कुल दावा नहीं कर सकती। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर एनडीए के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में रहना है तो शिवसेना को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा और फिलहाल मानता हुआ भी दिख रहा है, हालांकि औपचारिक ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।